अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। अब ये एपिसोड जो है थोड़ी सी जो जिसे कह लें डिफरेंट है, बिकॉज एवरी टाइम वी टेक यू टू दोज पीपल हु आर वेरी इनटू यूट्यूब, या फिर उनके कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, लेकिन एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है। इंस्पिरेशनल स्टोरी किसी यूट्यूबर की भी हो सकती है, पॉलिटिशियन की भी हो सकती है, किसी एक्टर की भी हो सकती है। सो टुडे वी हैव मोहम्मद जुबैर साहब विद अस, जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे हैं सिंध के, और हम उनसे पूछेंगे कि अदर देन दैट एक पॉलिटिकल लाइफ के अलावा जो है उनकी जर्नी कैसी रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। आई एम सो सॉरी आई गॉट लेट। आई वांट टू रिकॉर्ड दिस ऑन कैमरा दैट आई गॉट लेट। आई हैव गिवन यू इनफ लेक्चर। यू विल नेवर बी लेट अगेन इंशाल्लाह, होपफुली। अगर आपने जुबैर साहब के साथ इंटरव्यू रखा है, प्लीज बी ऑन टाइम। कराची की ट्रैफिक का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। इफ यू हैव मिस्ड द यू टर्न तो प्लीज ट्राई के आप उनको बता दें, सर यू टर्न मिस हो गया, बहुत आगे से जाके आएगा, प्लीज बी ऑन टाइम, टाइम इज मनी। सर थैंक यू सो मच, उसके बावजूद यू हैव गिवन अस टाइम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इन अ सेंटेंस तो नहीं पूरा होगा, बट व्हाट इज कराची फॉर यू? कराची इज द फाइनेंशियल हब और द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी, बट सरप्राइजिंगली एंड दिस इज वेयर आई हैव grown up, schooling, college, IPA, everything, काम काज। लेकिन मुझे कराची अच्छा नहीं लगता, ये नहीं हो सकता। मुझे आई प्रेफर इस्लामाबाद एंड लाहौर। इस्लामाबाद इज द बेस्ट, उसके बाद लाहौर एंड कराची इज द लीस्ट। माय प्रेफरेंसेस आर टोटली डिफरेंट, ट्रस्ट मी। आई एम अ टिपिकल लाहौरी, वैसे तो कश्मीर से बिलोंग करती फैमिली, बट कराची इज लाइक अ सेकंड होम। हाउ कैन यू नॉट लाइक समंदर? नो, समुंदर, एक तो समुंदर, उसकी वजह यह है कि समुंदर के सामने एक अपार्टमेंट्स हैं, सी व्यू अपार्टमेंट्स। जी जी जी। सो ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ माई कैरियर विद IBM, मैं वहाँ सी व्यू में रहता था, द्वार में। नॉट दैट मच क्रेजी अबाउट समुंदर। देन यू हैव अ गुड रीजन। बिकॉज यू नो द रीजन इज कि मैं जब मैं PMLN की गवर्नमेंट आई 2013 में, एंड आई वॉज पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट कैबिनेट में 2013 जून से लेके जनवरी 2017 तक जी। तो इस्लामाबाद फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट एक तो इज द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी। सो वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसमें तमाम पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ है, पार्लियामेंट भी वहाँ है, लॉजेस भी वहाँ है, मिनिस्ट्रीज भी वहाँ है, फाइनेंस, प्लानिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर 80-90% ऑफ मीडिया वहाँ है, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, फिर इंटरनेशनल मीडिया वहाँ होता है, सारे रिटायर्ड जजेस वहाँ रहते हैं, सारा मीडिया कम्युनिटी वहाँ है, सारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ है, सारे रिटायर्ड जर्नल्स वहाँ रहते हैं। तो और फिर वो जो एक इलाका है कोसार, उससे वो तो इट्स, आई मीन यू डोंट हैव टू गो टू पेरिस, यू कैन बी देयर, आई मीन इट्स सो वाइब्रेंट। सो यू प्रेफर इस्लामाबाद ओवर लाहौर, एंड इवन द सोशल लाइफ देयर इज फार बेटर देन व्हाट इट इज इन कराची। ओके, कराची की ट्रैफिक, कराची अच्छा ट्रैफिक वहाँ, वो जो ईज ऑफ लाइफ भी है उस हिसाब से कि प्लेसेस आर नियर बाय, ट्रैफिक इज ईजी, तो हर लिहाज से आई मीन इस्लामाबाद इज द प्लेस, एंड देन लाहौर इज एब्सोल्युटली, आई लव लाहौर। अच्छा मुझे बताएं, शुरू से सोचा था व्हेन यू वर स्टडिंग दैट आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन? नो, मैं तो वो जो सीधी सीधी लाइन होती ना, हम ये तीन भाई, सबसे पहले एक भाई गया IBA में, MBA किया वहाँ से, फिर मैं गया और फिर असद उमर गया, तो तीनों का एक ही लाइन थी। फिर तीनों ने, पहले वाले ने सिटी बैंक ज्वाइन किया, मैंने IBM ज्वाइन किया, तीसरे असद ने एक्सॉन ज्वाइन किया, तो तीन अमेरिकन मल्टीनेशनल्स, और फिर सारा कैरियर उसमें। तो ये तो कभी वो नहीं सोचा था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब मैं IBM में काफ़ी अर्सा हो गया था, एंड आई वॉज एट अ वेरी की पोजिशन एंड लुक्रेटिव पोजिशन इन दुबई, तो फिर ये ख्याल आया कि अगर आपने 60 साल की एज में रिटायरिंग होना है तो फिर आप कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल, सो बेटर लीव। तो हमारे अंदर जर्म्स तो थे, असद में भी, मेरे में भी, पॉलिटिक्स के, सो आई लेफ्ट अ लुक्रेटिव जॉब एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी एंड नथिंग टू रिग्रेट। अच्छा, आम घरों में ना एक बड़ी लड़ाई होती है
मतलब इफ आई माई फादर वॉज टिपिकल पी एम एल एन सपोर्टर और हमारी जो नई जनरेशन जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे तो वी वर लाइक लेट्स ट्राई द चेंज मतलब वो इस तरह से नहीं कि कोई नजरियाती इख्तलाफ था इट वॉज लाइक लेट्स ट्राई दिस लेट्स ट्राई दिस तो वो मेरे अब्बा मुझे याद है जब मैं वोट डालने के लिए जा रही थी तो कुछ आपको भी पता होगा वोट्स उन्होंने एक इलाके के उठा के दूसरे इलाके में फेंक दिए थे तो माय अब्बा वाज कंटिन्यूअसली सेइंग पीएमएलएन को डालना पीएमएलएन को डालना और फिर तो जमीर का फैसला है अंदर जाके जिस मर्जी को डाल देना यू बीइंग अ फॉर्मर गवर्नर फ्रॉम पीएमएलएन योर ब्रदर इज माशाल्लाह असद उमर साहब इज डूइंग ग्रेट इन पीटीआई जब एक टेबल पे बैठते हैं तो क्या होता है बैठते ही अकेले नहीं बैठते और लोगों के साथ बैठते डाइवर्जेंस रखते ताकि कोई कॉमन फैक्टर्स हो नो हम सब जितने भाई हैं ना हमारे बहुत इंटरेस्ट हैं पॉलिटिक्स के अलावा वी आर क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स ओके क्रिकेट हॉकी फुटबॉल मोर देन एन एवरेज पाकिस्तानी ठीक है बहुत क्रेजी सो इंग्लिश प्रीमियर लीग भी फुटबॉल फॉलो करते हैं स्पेनिश लीग भी फॉलो करते हैं हॉकी क्रिकेट सब स्पोर्ट्स एथलेटिक्स वगैरह तो एक तो वो कॉमन होता है देन वी आर ऑल वी लाइक म्यूजिक जिसमें इंडियन म्यूजिक ऑब्वियसली टेक्स द लीड वेस्टर्न म्यूजिक फिर मूवीज एक्टर्स एक्ट्रेसेस एंड सो ऑन एंड सो सम ऑफ द अदर अभी शायद वो इंडियन मूवीज आने ऑलमोस्ट बंद हो गई तो इंडियन मूवीज बहुत फॉलो करते थे आई वी फॉलो पाकिस्तानी मूवीज वी गो एंड वॉच इट फॉर मंथ्स ये कोविड जब तक नहीं आया था आई मेड इट अ पॉइंट बिकॉज ये कहना कि जी देखें इनकरेज करें पाकिस्तानी मूवीज को आई थिंक द बेस्ट वे टू इनकरेज is to go and watch yes because and really I think this is something jo Pakistanis must understand ke 1965 se 2005 2006 tak Indian movies were banned and Pakistani movie standard was horrendous during yes. that time it went from bad to worse jab Indian movies ko General Pervez Musharraf ne allow kiya the standard the quality of Pakistani movies started going up absolutely we were producing in any case great dramas yes तो उसके बाद से पाकिस्तानी मूवीज और जबरदस्त एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं आई थिंक गिवन एन अपॉर्चुनिटी जो उनकी लिमिटेशंस हैं जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं और दूसरे लिमिटेशंस हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया इज फार फार अहेड एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड इज अ मेन ब्रेड अर्नर फॉर इंडियन इकोनॉमी तो उससे तो नहीं हम कम्पीट कर सकते बट सम ऑफ द मूवीज आर फैंटास्टिक तो आप मूवीज के बारे में मूवीज के बारे में बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में स्पोर्ट्स के बारे में बाकी पॉलिटिक्स है यूएस पॉलिटिक्स है यूरोपियन पॉलिटिक्स है फॉरेन पॉलिसी है तो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं पता क्या होता है लाइक मेरी फैमिली में से अगर कोई नहीं भी है जर्नलिज्म में इफ आई एम स्टक एट सम पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी तो आई कॉल अप माय ब्रदर के यार भाई ये सीन हो गया अब सीनियर से कैसे बात करूं कि ऑफिशियल एक ईमेल लिखो या कुछ एक्सप्लेन करना तो कोई ऐसा मोमेंट व्हेन यू बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपर्टीज इन द सिमिलर आई विल से फील्ड अदर देन द पॉलिटिक्स साइड तो आपने कभी कहा यार असद ये वाली चीज़ ना करना मार्केट डाउन है हमारे भाइयों का बड़ा एक सिंपल सा स्कूल है एंड आई थिंक पूरे पॉलिटिकल क्लास में अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आई थिंक असद एंड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जी और ये पॉलिटिक्स में आने से पहले से हमारा एक बड़ा कॉमन फैक्टर था हम कभी एक दूसरे को काम नहीं करते थे Okay. कभी पांच रुपए का काम नहीं कहा कि यार इसको ये कर हाँ किसी ने अभी भी कोई कहता है कि असद से मिलना है बाकी वो फिर देख लेंगे तो वो असद मैं पांच साल हुकूमत में रहा मिनिस्टर रहा गवर्नर रहा असद ने कभी एक दफा भी फोन करके कोई काम नहीं कहा अभी तकरीबन तीन साल हो गए आई हैव नेवर एवर कॉल्ड असद के जी असद ये कोई काम कर दे नेवर चाहे जितना भी सीरियस मसला हो सो ये हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड असूल है जी So this is the best way कि you respect the वो हम जो बात कर रहे थे because वो भी समझता है मैं भी समझता हूँ हमारे यहाँ ऐसे होता है ना कि this is a culture वो हालांकि वो नारा वो PTI ने लगाया था सही लगाया था कि जी सिफारिश की कल्चर और ये जी, वो लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी चाहे वो उसका जितना डाई हार्ट PTI से ताल्लुक हो वो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में वो सिफारिश करवाता है अच्छा सिफारिश भी ऐसी होती है जिस तरह अब मैं गवर्नर हूँ ठीक है मेरे पास किसी का फोन आया और वो कह रहा है कि अब मेरे दोस्त का किसी का कि यार वो जो मेरे नेबर है ना उनका जो चौकीदार है उसका जो भाई है जो गुलशन इकबाल में उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए यार ऐसे ही पकड़ के ले गए यार भाई आप नेबर का चौकीदार का भाई आप नेबर को नहीं जानते उसके चौकीदार उसका भाई और आप कह रहे हैं वो मासूम है
So, I mean, yeah, let him handle, please, yeah. Give us a break. So, मैं तो इतना strong थी, मुझे 5 साल हकुमत में रहा, मुझे आके कोई एक शख्स ही नहीं कह सकता कि इसने कोई एक नौकरी के लिए सिफारिश की. Okay. I was governor जो होता है, वो he is also or she is chancellor of all the public sector universities. And he has a quota also. जिसमें I've never got one person admitted. Let the merit works. Yes. And by the way, ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, because pressure इतना ज़्यादा होता है. और दिन में 20-25 सिफारिशें आती. तो I think वो अगर आप एक दफ़ा अपने आप को वो एक इस किस्म का से अच्छा by the way मुझे ये नहीं है कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बट एक हमारा नेचर ऐसी है कि हम कर ही नहीं सकते. और कई दफ़ा यू हैव टू थिंक के इज इट राइट और रॉन्ग कि आपने हेल्प तो किसी गरीब को हेल्प चाहिए आपने वो कर दी, लेकिन अगर एक चीज मेरिट पे आप किसी का हक छीन के फिर किसी दूसरे को दे रहे हैं. एक हक छीन वैसे हेल्प करना जिसका किसी का आपने कहा ना कि ऑफिशियल नाजरा में काम फंसा है, तो अब वो जेन्युइन है. अब आपने अगर चेयरमैन को फोन करके सिर्फ ये कहना यार बात सुने वो देख लेना, अगर जेन्युइन है तो प्लीज कर लेना, अदरवाइज तो दैट ऑब्वियसली वो तो आपको करना फर्ज भी बनता है. जी अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिक्स में लाइक यू हैव सीन एवरीथिंग एंड यू सी. वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मैंने काम करना शुरू किया था आईबीए के बाद आईबीएम में, तो जब बिफोर आई गॉट ट्रांसफर टू पेरिस 6 साल के बाद, तो मैं यहाँ उस दौरान आईबीए में इवनिंग कैंपस में एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था. सो आई हैव बीन अ टीचर. ओके. फिर मैंने एक वक्त में आके आपको इंटरेस्टिंगली मैं बताऊँ कि मैंने एंकरिंग भी किया. जी प्लीज मेरी जॉब रखिएगा प्लीज. आई एम अ गुड एंकर. बिजनेस प्लस टीवी होता था. ओके. सो व्हेन आई लेफ्ट आई एम सॉरी आई डिडंट नो दैट. व्हेन आई लेफ्ट आईबीएम जी एंड आई वांटेड टू बिल्ड अप माय बिजनेस प्रोफाइल एज मैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. तो मैं वो बिजनेस का प्रोग्राम करता था हफ्ते में 2 दफ़ा जी, और मैंने क्रिकेट की कमेंट्री भी की हुई है इंक्लूडिंग लॉर्ड्स में बैठ के, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी. जस्ट तो मैंने हर चीज़ एंड नाउ आई रेगुलरली कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स टू द न्यूज़पेपर. आई हैव रीड न्यूज़पेपर. मैंने आपके वो आर्टिकल्स पढ़े भी हैं. तो सब कुछ किया हुआ. इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपकी हम लोग मैं अभी ये बात भी कर रही थी और हमेशा मैं अपने शो में कहती भी हूँ आप लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं उसके पीछे पूरी एक जर्नी होती है, स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है. इंसान आपके सामने एक पॉलिटिशियन एक अच्छी सीट पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ जो है उसकी सही है, वो किसी स्ट्रेस से गुजरा होगा, डिप्रेशन से गुजरा होगा. वो मैं आपको बताऊँ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था वन रीजन फॉर टीचिंग वाज कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द क्लास एंड टीचिंग हमें पढ़ाता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो लास्ट सेमेस्टर का कोर्स होता था, बहुत हैवी स्टफ, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कंपेयर टू व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, बिकॉज यू नीडेड टू नो 100%. तो एज अ स्टूडेंट तो आप 80% स्कोर कर लें तो आपका ये आ गया. तो एक तो वहाँ से उस वजह से लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देन जिस तरह होस्ट करना बिजनेस प्रोग्राम. तो अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट को बुला रहे हैं या स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला रहे हैं या किसी स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर को बुला रहे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग. सो वो जो आपने कहा ना फाइनल प्रोडक्ट, सो वो बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छे इकोनॉमी की बड़ा वो है. सो आई थॉट दोज टू थिंग्स टीचिंग एंड एंकरिंग रियली वर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स उस हिसाब से. सही है. अच्छा मतलब यू हैव सीन एवरी थिंग ग्रोइंग एंड एवरी वन ग्रोइंग. जी अब आप मैं आपको हमेशा फॉलो कर रही होती हूँ, यू नो दिस के पीडीएम की तहरीक शुरू हुई एटसेट्रा एटसेट्रा, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ जर्नल व्यूअर या एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द फ्यूचर पर्टिकुलरली बिकॉज शी बिलोंग्स टू योर पार्टी, मरियम नवाज का क्या फ्यूचर है नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ जर्नल ऑब्जर्वर. देखिए मरियम नवाज एक तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपने देखना कि हु शी इज़ अमंग द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियंस. ओके. और वो देखने के लिए वो किसी मुस्लिम लीग से पूछने की जरूरत नहीं है. जब 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पीटीआई वालों की दिन में, जैसे मरियम नवाज तो उसी से पता चलता है कि शी इज़ अ सीरियस राइवल फॉर द रूलिंग पार्टी, बड़ा क्लियर है. और वो उससे उसकी पॉपुलैरिटी की पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा परेशान कर रही है. अगेन ये मैं आपको बताऊं कि शी इज़ वर्कड हर पे, बहुत मेहनत की है.
क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आप मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं तो दैट विल, अब आपको तो लीड करना पड़ता है ना. पॉलिटिक्स इज अबाउट पॉपुलर सपोर्ट. पॉपुलर सपोर्ट, आप ये नहीं है कि किसी के बेटे हैं या भतीजे हैं या बेटी हैं तो आपको पॉपुलर सपोर्ट भी मिल जाएगी. आफ्टर ऑल व्हेन शी गोज एनीवेयर, चाहे फैसलाबाद जाएँ, शेखपुरा जाएँ, क्वेटा जाएँ, तो सबसे ज़्यादा क्राउड वो ड्रॉ करती हैं जितने भी हमारे पार्टी की लीडरशिप में. तो वो लोग पूछते हैं ना कि जी वो जस्ट बिकॉज बेटी, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं फैसलाबाद जाऊँ या कराची जाऊँ और 50,000 लोग इकट्ठे कर लूँ तो मैं लीडर बन जाऊँगा. बड़ा सिंपल सा इसमें तो वो है. तो एक इंडिया में एक पार्टी आई, दिल्ली की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और उसने हिला दी पॉलिटिक्स को जस्ट बिकॉज उनकी एबिलिटी थी टू ड्रॉ पब्लिक. फिर वो पढ़ी लिखी है मरियम, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है. और किसी भी ग्रेट पॉलिटिशियन के लिए चार चीज़ें चाहिए होती हैं फंडामेंटल. इनसाइट इनटू हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी. ये तो तीन आपके फंडामेंटल्स. एंड यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर. तो ये चार का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन. कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है लिख लें ये चार चीजें. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स बिकॉज आप एक तो कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल. चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, पॉलिटिशियन हैं, कम्युनिकेशन आजकल और पाकिस्तान में अगर आप ग्रो करने, आपने चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीन्स आपकी वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, और दोनों इंग्लिश एंड उर्दू. बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें आप जब जाके अभी मुझे कोई यूनिवर्सिटी वाला या आईपीए वाले बुलाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए या कॉरपोरेट वर्ल्ड में किसी इवेंट पर बुलाएंगे तो दे एक्सपेक्ट मी कि मैं कम्युनिकेट कर सकूं, इंग्लिश में कर सकूं, उर्दू में, कॉम्बिनेशन जो भी है. मीम्स जब देखते हैं ये जो पॉलिटिक्स पे बनती हैं, यहाँ कमेंट्स भी आते हैं, जाहिर सी बात है. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई थिंक जो हमारा जो और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, और मैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, इतने ख़राब होते हैं ना, इतने कई चीज़ें घटी. मैं क्रिटिसिज्म तो सबको करने का हक है, और तभी मैं कहता हूँ इवन इन पॉलिटिकल लेवल ना, टॉक शो लेवल पे क्रिटिसिज्म और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होना चाहिए शुड बी बेस्ड ऑन आपकी पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस. ठीक है ना, मैंने अगर क्रिटिसाइज करना है हुकूमत को तो मैं उनकी परफॉर्मेंस करूँ कि जी देखें अनएम्प्लॉयमेंट इतनी होगी, महंगाई इतनी होगी, बेरोजगारी इतनी होगी, और कुछ मैं बैकअप करूँ कुछ नंबर से. अब एक तो ये डिबेट हो, और दूसरी डिबेट है कि देखें जो जो इन्होंने डाके डाले, जो इन्होंने लूटा है मुल्क को, जो खरबों खरबों खा गए, अब इसका क्या जवाब है, और जो ऑडियंस देख रहे हैं उसके लिए क्या, दिस इज नथिंग फॉर हिम ना और हर. तो मेन चीज ये है कि एक आप वो तो खैर बहुत ही, वो तो आपको पता है ट्विटर पर तो माई गॉड, आई मीन खुद पढ़ के ये बंदे को अफसोस होता है कि क्या. अभी किसी ने एक ट्विटर पर डाला था, कई दफ़ा तो वो थोड़ा फन टाइप भी होते हैं कि वो जो लास्ट सैटरडे अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ उधर पार्लियामेंट के बाहर जिसमें वो पीएमएलएन के कुछ लीडर्स हैं, तो वो उसमें लिखा था कि दो थप्पड़ और एक जूता पड़ा लीडर्स को, और जो वो वहाँ नहीं थे उनको घर से बीवियों ने जूते मारे. तो डैड वो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है कि चलो जी लाइटर मोड में कर लिया. पर जो बहुत ज़्यादा सीरियस एंड स्पेशली जो आपको पता है ख्वातीन के लिए, आई मीन वो तो ऐसे होते हैं जिस तरह मरियम नवाज या जो भी पार्टी, मरियम औरंगजेब को ले लें, इवन आप पीटीआई की उठा लें, फिरदौस आशिक के वहां पे जब वो शुरू होते हैं. हाँ, फिरदौस आशिक पर भी वो होते हैं, बट गलत है. और खास जो भी है शहरी रहमान है जो हाँ, है, एक मतलब यार वो उसकी फैमिली वाले भी खोलते होंगे, वो भी खोलती होंगी. एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, अगर कोई किसी को इस किस्म की चीज कह रहा है तो आई डोंट थिंक सो कोई उसमें कोई बड़ी बात है इस किस्म की गाली गलौज करना या कोई ऐसे अल्फाज यूज़ करना किसी औरत के लिए. क्या मर्द के लिए भी नहीं करने चाहिए बिल्कुल. आप सुनाएं आप बिल्कुल कि भाई आप क्यों हैं इस पार्टी में, क्यों आप फॉलो करते हैं, आप ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, दैट्स ऑल परफेक्टली ऑल राइट. अच्छा, पॉलिटिक्स में जब आप आते हैं ना सर, तो आपकी ज़िंदगी मैं कहती हूँ कॉन्ट्रीब्यूट हो जाती है. आई हैव सीन पॉलिटिशियंस वेरी क्लोजली. हम ये बात गलत है कि हम कहें कि वो काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, सारे दिन का पेपर वर्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा, 24 घंटे फील्ड में काम, लोग आ रहे हैं आपके पास फ़ोन. व्हेन यू वांट टू गेट मी टाइम, तो व्हाट्स योर मी टाइम बेस्ट, मतलब आपका बेस्ट जो है
मैं बता देता हूँ जरूर, एंड इट हैज़ बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, जब से पॉलिटिक्स में आए, यू आर राइट, रात के 11 बजे से 3 बजे तक, बिकॉज उस वक्त आप लीस्ट डिस्टर्बेंस होती है, और जो अगर डिस्टर्बेंस होती भी है तो उन्हीं से होती है जो वो लेट नाइट वाले आपके साथी होते हैं ना, जो कोई आपका पॉलिटिकल वो है, दोस्त है, उसको भी पता है कि मैं लेट सोता हूँ तो वो 1 बजे रात के फ़ोन कर रहे हैं, और लेकिन आपको सीरियस वर्क जो है, जैसे मैं कह रहा था कि मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो कल ही मैंने एक कंप्लीट किया, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, मोस्ट पीसफुल टाइम, बिकॉज आप बैठे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, फ़ोन कॉल्स हार्डली आ रही हैं, और घर में भी सब अपने अपने सब आराम कर रहे होते हैं या जो भी है टीवी देख रहे हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, 11 to 3 इन द मॉर्निंग। यू लाइक टू रीड बुक्स? Used to read a lot of books. मैं इतनी books पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन उस frequency से नहीं पढ़ता, बहुत ज़्यादा books. At a very early stage of my life as a student, मेरे ख्याल है graduate हूँ, because हमारे घर में इसका रिवाज था, तो वो father की जो books होती थी उससे पढ़ के, तो बहुत books पढ़ा, history खास तौर पर, economy से related, business से related and so on. अच्छा, ये मीम्स तो बनती हैं, लेकिन पता क्या होता है कि हम लोग एज अ जर्नलिस्टिक, अभी मैंने एक बुक पढ़ी वो अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा, लोग माइंड करते हैं वैसे, मैं बताऊँ, जो गोरे होते हैं ना जी, वो उनकी क्लास बड़ी होती है व्हेन दे राइट इवन अबाउट पाकिस्तान, मतलब उसमें एक्चुअली वो वन कैन डिसएग्री, सो दिस इज बुक बाय राइटर जिना यूज टू कम टू अवर होम, सच अ फैसिनेटिंग बुक, कायदे आज़म पर है, सो फ्रॉम द अर्ली एज, और एक मिस्टर एंड मिसेस जिना, इट्स रिटन बाय एन इंडियन ऑथर, और फैसिनेटिंग स्टफ। अच्छा, हमारे तो लिखते ना कि कायदे आज़म ने तालीम यहाँ हासिल, ठीक, पैदा यहाँ हुए, फिर तालीम हासिल की, फिर उसके बाद वहाँ चले गए, ठीक ना, तो और फिर इंग्लैंड जाके उन्होंने वो किया। अब तो हम वो जो क्रिटिकल एनालिसिस होती है ना, और इवन टू द एक्सटेंट ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ ग्रेट अ पर्सन कायदे आज़म वाज, हाउ ग्रेट, मतलब पाकिस्तानीज डोंट नो, फॉर एग्जांपल, ही वाज प्रॉबली द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है ना, जब वो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उन्होंने तकरीर करनी होती थी ना दिल्ली में, तो दूर दूर से शहरों से लोग आते थे सुनने के लिए, मतलब स्पेल बाउंड, गोरा भी और इंडियंस भी वो सारे, इसी तरह से एज अ पॉलिटिशियन रीचिंग आउट टू पीपल, आई मीन इमेजिन इन दैट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ही वाज द ओनली पॉलिटिशियन हु वाज लीडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट द सेम टाइम पाकिस्तान। तो मैं हमेशा जब कायदे आज़म के बारे में कहता हूँ कि एज अ लॉयर, प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स अक्रॉस कॉमनवेल्थ, एंड एज अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, अगेन प्रॉबली द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन इन द एंटायर कॉमनवेल्थ, और यहाँ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, वो एक मैं वीडियो देख रहा था उनकी, वो सैड म्यूजिक लगा के पीछे से, क्योंकि वो किसी को एक्चुअली वो उनके थ्रू किसी को वो करना पड़ता है कि हमारे आजकल के पॉलिटिशियंस कितने नवाब हैं, तो कह रहे हैं कि जी वो एक दिन नई जराबें पड़ी थी, तो उन्होंने पूछा ADC से कि ये नई क्यों है, हम अफोर्ड कर सकते हैं ये, तो उसने कहा जी आपकी फट चुकी थी, हालांकि बिल्कुल झूठ है, मतलब ही वाज अ मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन, उनके सूट्स टेलर मेड होते थे, इंग्लैंड से आते थे, उनके सिगरेट्स जो थे वो ब्रिटिश टोबैको कंपनी स्पेशली, उस पर जिना लिखा होता था, उनकी जो वो जो मोस्ट आर्टिकुलेट जो सबसे डिजाइनर कंपनी थी, तो उनके सूट्स अंदर से वो जिना, इनिशियल्स भी होते थे, बिल्कुल जिना। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जी वो इतने बेचारे सीधे थे, बिल्कुल, देख, अब इससे तारीफ नहीं कर रहे आप, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही अर्न्ड सो मच एज अ लॉयर, ऑल लेजिटिमेट मनी, बट ही गिव अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो दैट इज द ग्रेट पार्ट ऑफ इट, बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज क्वालिटी, क्लास, उनके पास क्वालिटी ऑफ कार्स उस वक्त के हिसाब से, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिनके घर AC लगा था, तो वो कोई ऐसा वो नहीं था, बट उनकी क्लास थी एज अ पर्सन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ कम्युनिकेटर, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
persons of the century. So we are proud for all of those reasons. Absolutely. Not for his sadgi. बिल्कुल. जी. अच्छा PMLN के अलावा who is your favorite politician in other party? मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से इसका दिमाग बड़ा अच्छा है. देयर आर आई थिंक आई लाइक ब्लावन अ लॉट. ओके आई रीसेंट मंथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की है. मेरा ख्याल है ही इज द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज एज. इंटेलिजेंट है. देखे ना बेनजीर के बेटे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते हैं. ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो तो आएगा. तो वो डिनाई करना, वन कैन डिसएग्री विद द पॉलिसीज, बट वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, वेरी शार्प. आप खुद देख लेना कि आज से 3-4 साल पहले हार्डली उर्दू में बात कर सकते हैं और अब कितने उससे करते हैं. एंड ही रीचेस आउट. सो एक तो बिलावल इज स्मार्ट पॉलिटिशियन, वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन. देर आर अदर्स ऑल्सो, जिस तरह ज़रबानी है, वेरी आई मीन वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, मतलब इन अ सेंस एज अ पर्सन ऑल्सो जो है प्रिंसिपल्स वाला आदमी. जो एक शख्स का मैं अगेन नाम लूंगा जिसने फरहतुल्लाह बाबर, इतना सिंपल, इतना सादा, एंड उसने क्या हाइट्स रीच की हैं. तो वो ऐसे शख्स को तो ज़रूर एडमायर करना चाहिए. एक सेल्फ मेड आदमी है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है. और ये बताने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि पूरे वो जो छाप लग जाती है ना कि पॉलिटिशियंस वो होते ही ख़राब हैं वो सारे. अब हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कोई भी फील्ड होगी, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, खराब भी होते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि जी ये पॉलिटिशियन अगर कोई बहुत अच्छा है और हुकूमत में रह के भी अगर उसने रेपुटेशन अपनी इंटैक्ट रखी है, तो डैट मीन्स कि उसको तो ज़्यादा एडमायर करना पड़ता है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली थी. योर होल लाइफ इज अ इंस्पिरेशन इन इट सेल्फ, जो यंगस्टर्स के लिए भी है. जो हम लोग हमेशा दिखाते हैं कि आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. ये मैं आपको बता दूं, ये जो है ना जी, ये जो इंस्पिरेशन वाला वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में यू कैन ब्रेक थ्रू ऑल बैरियर्स. और ये जो मैंने आपको बताया, हमारे तीन भाई, हमने बिल्कुल ये जो कराची की ये वैगने है ना, इसमें बैठ के हमने सफ़र करके और पैदल चल चल के हमने सफ़र करके अपनी तालीम हासिल की. एंड द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एट द टाइम आल्सो स्टिल रिमेंस वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. एंड वी वेंट थ्रू आवर ओन एफर्ट्स. तो जो बैरियर है, और वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतनी अर्ली स्टेज में, जिस तरह असद का मैं बताऊँ कि इतनी अर्ली स्टेज में, असद का तो आपने सुना है कि कितनी बड़ी तनख्वाह मिलती थी. वो पीटीआई का वो तरीका है, हम वो कैसे करते हैं, मुझे उससे ज़्यादा मिलती थी लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा. तो वो आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाए सेल्फ मेड होके, और आपके पैसा इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड यू आर रेडी टू डू अदर थिंग्स इन लाइफ विच आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो दैट्स द इंस्पिरेशन ना, दैट्स मेक यू व्हाट यू आर राइट नाउ. बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके बारे में लोग कहते हैं ना कि यहाँ नहीं आप वो कर सकते अचीव, यहाँ सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं. और तमाम फील्ड, और जाहिर है आपको पता है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन है, जजेस, ये जो आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर इनका मुझे पता चला बैकग्राउंड यहाँ कराची रहने वाले, एक बंदा छोटा से फैमिली से घर से निकल के क्या आज चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है. कोई सिफारिश नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था. वन तो देर आर सो मेनी एग्जांपल. स्पोर्ट्स में आप उठा के देख लें, तो वो नहीं होना चाहिए कि जी यहाँ एक जो एक फैला हुआ है कि जी सिफारिश कल्चर. इफ यू आर गुड, नो वन कैन स्टॉप यू. एंड द मैसेज इज यू शुड नेवर फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एफर्ट्स. एफर्ट अपनी पूरी डालें, बिल्कुल, बाकी फिर अल्लाह पर छोड़ दें. एफर्ट्स अपनी पूरी डालें, स्मार्ट एफर्ट डालें. स्मार्ट एफर्ट, यू नो, स्मार्ट वर्क ज्यादा जल्दी काम हो जाता है. आप ये नहीं मेहनत करते रहे दो साल और कहीं इसमें से कुछ नहीं निकला. स्मार्टली एफर्ट करें, यू कैन बी एनीथिंग व्हाट यू वांट. अगर आप फोकस हैं, डिटरमिन हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो प्लीज जो जितनी यंग जनरेशन है, पॉलिटिक्स जो फॉलो करती है, उनके लिए भी स्पेशली मैसेज है कि थोड़ा सा सिविलाइज्ड जो है एक नेशन बनने की तरफ जाएं. अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर किसी के साथ आपका हो सकता है, उसको रिस्पेक्टफुली जो है एक मैं जरूर जरूर मैसेज. ये जो पाकिस्तान में खासतौर पर एक पढ़ा लिखा
खास तौर पर पीटीआई में जो लोग आए उनके लिए मैसेज है। देखिए पाकिस्तान जो है ना एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेट इज बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपना मैंडेट है। बिल्कुल, सिर्फ फर्क ये होता है, ये मैसेज ये पढ़े लिखों को दे रहा है कि हर पार्टी जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहती है। कोई समझता है कि हम पाकिस्तान को बेहतर ले जाने के लिए इस रास्ते से जाएंगे, कोई इस रास्ते से बात करता है, किसी की प्रो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी होती है, किसी की एंटी प्राइवेटाइजेशन, किसी की रीजनल पीस पर मुख्तलिफ राय होती है, किसी की डिफरेंट राय होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड, कि भाई उसको दूसरे को राइट है। वो ये बीच में हम जो अभी डिबेट है ना कि सिर्फ डिफरेंस है करप्शन की वजह से, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पाकिस्तान हैज़ टू बी अ मल्टी पार्टी सिस्टम। दैट्स वॉट The thinking of Qaid Azam and the lead founders of Pakistan was, और वही हमारा आइन कहता है और उसी के हिसाब से हम आगे चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप समझें कि मैं ही सही हूँ और मेरी ही पॉलिसी सही है और दूसरे को राइट नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैसिज्म एक्चुअली। वन पार्टी स्टेट जब होती है एंड वी कैन सी मेनी नेशंस सफरिंग ड्यू टू दिस। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अब अगर हम अपने थोड़े से हमसायों वाले की तरफ देख लें तो वी डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी पॉलिसी जो है वो ठीक है। मेरी पॉलिसी ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरी पॉलिसी सही है, बट मुझे ये जरूर देना चाहिए राइट दूसरे को अपनी सोच रखने का, अपनी सोच रखने का, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करें लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में। बार बार ये कहा जा रहा है, प्लीज सी आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट होता है, एक उसके पीछे पूरी जर्नी है, स्ट्रगल्स हैं, सब कुछ हैं। आप डू नॉट क्रिटिसाइज पीपल, डू नॉट थिंक दे हैव मेड अ शॉर्टकट। अगर कोई किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, समटाइम्स देर आर सम केसेस जहाँ पे आप कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, लेकिन अच्छी बात होती है। वेल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्ट्रगलिंग, वो एक जगह पर पहुंचे हैं तो किसी वजह से पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, एंड आई एम गोना सी यू अगेन विद अनदर एपिसोड वेयर यू कैन सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।